समस्तीपुर जिले के हसनपुर पीएचसी के मुख्य द्वार पर 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता धरना दे रही हैं। आज 17वां दिन है। आशा कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन में भाजपा ने भी अपना समर्थन दिया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सह जिला परिषद प्रतिनिधि सिकंदर आलम ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ सुर में सुर मिलाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी कर आशा कार्यकर्ताओं की 9 सूत्री मांगों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं ने अपना जान जोखिम में डालकर कोरोना जैसी भयंकर महामारी में सरकार के निर्देश का पालन करते हुए काम किया, लेकिन अब जब सभी धरने पर बैठे हैं तो उनके सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो आशा कार्यकर्ताओं की मांग पर विचार करते हुए पूरा किया जाएगा। चीज को लेकर आज धरना दिए हुए हैं सर, अभी हॉस्पिटल पर हम अपना हक के लिए धरना दिए हुए हैं। क्या आपका हक है? जरा सरकारी घोषित किया जाए, पेंशन दिया जाए, और चीज हमको जो पैसा कहा जाता है वो पैसा नहीं मिलता है। 1000 में क्या होती है? कोई काम करते हैं दाम देता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम वेतन मांग कर रहे हैं, हमको 10000 वेतन चाहिए। उतना हमको इतना कम जो अलंग फलंग को पैसा देती है उसमें पूर्ति होने वाला है? बाल बच्चा पढ़ा लिखा पाते हैं? कितना दिन से आप लोग हड़ताल पर हैं? हम 16 दिन से हड़ताल पर हैं। 16 दिन 12 तारीख से आप लोग हड़ताल पर हैं। एक भी नहीं कोई पूछने आती है, मैनेजर भाई प्रभारी कोई नहीं पूछने आती है क्या हुआ नहीं हुआ, किस कारण हड़ताल पर? अपनी मांग रख रही है आशा कार्यकर्ता, जो आशा बहन दीदी हमारी है, जो गांव में कोरोना के काल में अपने जान को जोखिम में डाल के और समाज का स्वास्थ्य के प्रति हर लोग का जान बचाने का काम किया है और अपना पूरा परिवार छोड़ के रात और दिन, आप एक स्वास्थ्य विभाग का एक पार्ट है, आज ये लगभग 16 दिन से धरना पे है। हर सबके पास परिवार है भाई, बच्चा है, घर है, और छोड़ के धरना पे रहती है। और ये बहरी गूंगी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री एक बार भी पूरे बिहार के अंदर पूछ लेने का काम नहीं किया है, पूछा भी नहीं है कि मेरा जो स्वास्थ्य का वर्कर है पूरे बिहार का, आशा महिला लोग धरना पे है, कम से कम एक बार पूछ तो लेता ना कि क्या मांग है आपका, हम आपके साथ ऐसे कर रहे हैं। कोई प्रतिनिधि करने वाला नहीं है भाई, भाई साहब पूरे बिहार के अंदर बहुत दुर्भाग्य है। स्वास्थ्य मंत्री में माननीय तेज प्रताप यादव जो यहाँ के विधायक हैं, उनके बड़े भाई हैं, आज सरकार में हैं वो लोग। बहुत दुर्भाग्य है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कि यहाँ का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री के छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं वो लोग। कम से कम उनको एक बार आना चाहिए और अपने क्षेत्र की जनता से, आशा से पूछना चाहिए कि आप किस हाल में यहाँ पे हैं, किस परिस्थिति में हैं। मैं खास कर मैं यहाँ के माननीय विधायक तेज प्रताप जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने भाई से कह के, स्वास्थ्य मंत्री से कह के, अविलंब मेरी आशा दीदी का मांगों को पूरी करते हुए इस धरना को समाप्त करने का काम किया जाए। पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रदेश में जनता त्राही त्राही है। सारा हॉस्पिटल बंद है, एम्बुलेंस ड्राइवर बंद है, एम्बुलेंस ड्राइवर ड्यूटी करने को तैयार नहीं है। कैसा सरकार है भाई आपका? जब मेरा पेट नहीं भरेगा तो ऐसा नहीं करेगा मुझे 1 लाख नहीं दे दो, महीना 50,000 दे दो, जो सामान्य जनक हो। आप एक बार आके अपने प्रतिनिधि को भेजिए, बात कीजिए, आप बात करके हड़ताल को समाप्त करवाइए। मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 का मैं प्रतिनिधि हूँ और मैं आशा दीदी के साथ एकदम हर वक्त साथ रहता हूँ और कोशिश मैं जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़े मेरी तन मन धन से मैं इन लोगों के साथ हूँ और साथ रहूँगा।